वेलकम स्टूडेंट्स सो हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आज हम पार्ट एट स्टार्ट करेंगे सो so, पार्ट एट स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था तो पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेशन इन एनिमल्स स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने पढ़ा था जो भी सर्कुलेशन होगा एनिमल्स में वो ब्लड या लिम्फ के वजह से होगा क्या होगा स्टूडेंट्स ब्लड और लिम्फ के वजह से उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेशन के दो टाइप होते हैं एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है तो ओपन सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स कोई भी ब्लड वेसल नहीं का डायरेक्टली जो ऑर्गन रहेगा जो सेल रहेगा उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहेगा किससे वो ब्लड से वो ब्लड से रहेगा क्योंकि वो फ्लूड डायरेक्टली उनके बॉडी कैविटी में प्रेजेंट रहेगा और उनके जो ऑर्गन्स रहेंगे और सेल uh, रहेंगे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेंगे उसके ब्लड से पर क्लोज सिस्टम में क्या होता है ब्लड वेसल्स होते हैं एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर -like होता है जिसके वजह से जिसमें से ब्लड पास होता है और वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर -like हर एक सेल हर एक टिश्यू हर एक ऑर्गेन के पास जाता है और वहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे उनको गैसेस देता है So, इस तरह से हमने क्लोज सिस्टम देखा था उसके बाद हमने क्लोज सिस्टम के दो टाइप देखे थे स्टूडेंट सिंगल सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन में हमने देखा था कि जो ब्लड होता है वो एक ही बार हार्ट के पास जाता है पर साइकिल और डबल साइकिल डबल सर्कुलेशन में हमने देखा था जो ब्लड होता है वो दो बार आता है पर साइकिल हार्ट के पास पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा फिर हार्ट से लंग्स के पास जाएगा फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आएगा फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा फिर डिऑक्सीनेट होकर हार्ट में आएगा तो इस तरह से वो दो बार आ रहा है एक साइकिल में स्टूडेंट्स तो हमने डबल सर्कुलेशन में ये देखा था उसके बाद हमने सर्कुलेशन इन मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी स्टार्ट किया सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें कि हमें पता चला था कि ह्यूमन सर्कुलेशन भी दो टाइप दो फ्लूड से होता है जो कि ब्लड एंड लिम्फ uh, तो उसमें से हमने ब्लड वास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हमने पहले ब्लड को समझा था कि ब्लड होता क्या है तो हमने जाना था कि ब्लड में दो टाइप के कम दो टाइप के कंपोजिशन से मिलके बना है तो क्या क्या प्लाज्मा से बना हुआ जो कि 55 परसेंट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में तो दो टाइप के उस दो टाइप का कंपोजिशन होता है हमारे ब्लड में जिससे जिसमें जिस पहला क्या था हमने पढ़ा था प्लाज्मा फ्लूड जो कि 55% परसेंट ऑफ द ब्लड का पार्ट होता है तो प्लाज्मा में भी हमने देखा था कि 90% परसेंट वाटर होता है स्टूडेंट्स और वे अदर्स मटेरियल होते हैं प्रोटीन होते हैं तो ये सब हमने परसेंटेज वाइज देखा था प्लाज्मा में क्या होता है उसके बाद हमने सेकेंड कंपोजिशन देखा था जो कि ब्लड में होता है वो था फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या था स्टूडेंट्स फॉर्म एलिमेंट तो फॉर्म एलिमेंट 44 परसेंट ऑफ द हमारा ब्लड का कम्पोजिशन है तो so हमने फॉर्म एलिमेंट में देखा था फॉर्म एलिमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है आर कंसिस्ट करता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स कंसिस्ट करता है डब्लू कंसिस्ट करता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कंसिस्ट करता है और प्लेटिलेट्स कंसिस्ट करता है तो so ये तीन टाइप थे स्टूडेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट में स्टूडेंट्स क्या क्या थे आरबीसी था वाइट ब्लड सेल था और प्लेटिलेट्स था तो so उसमें से अब हम देखेंगे कि आर बी सी सेल्स होते क्या हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है तो वो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है और जानेंगे कि क्या होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स तो देखते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइड्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी दे आर सर्कुलर बाय कॉन्केव एंड यू ई न्यूक्लिएटेड इन कैमिल एंड लैमा दे आर न्यूक्लिएटेड तो एरिथ्रोसाइड जो सेल जो रेड ब्लड कारपसल्स है वो सबसे ज्यादा होते हैं बॉडी में क्या होते हैं सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं वो बॉडी में ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स वो शेप में सर्कुलर होंगे और दे आर बाय कॉन्केव बाय कॉन्केव शेप के होंगे आपने पॉपिंस का चॉकलेट देखा होगा उस शेप के होते हैं वो जो हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं और ई e न्यूक्लिएटेड होते हैं ये क्या होते हैं ई न्यूक्टेड मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इन्हें डिविजन नहीं करना है ये डिवाइड नहीं होते तो इनमें न्यूक्लियस होकर कोई फायदा नहीं है इसलिए इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और पर कैमल और लामा जो एनिमल्स है उनमें ये न्यूक्लिएटेड रहते हैं जो ब्लड सेल्स रहते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा रहता है इन एनिमल्स में जो कैमल और लामा है इन एनिमल्स में वो उनके रेड ब्लड कॉर्पसल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और जितने भी एनिमल्स हैं उनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि न्यूक्लियस कब प्रेजेंट रहेगा जब सेल्स को डिवाइड होना रहता है पर ये सेल्स नहीं डिवाइड होते हैं The red color of RBC is due to an oxygen carrying pigment, the hemoglobin, in their cytoplasm. In males, their average number is about 5.1 to 5.8 million per mm3, and in female, about 5.3 to 5.2 million per mm3. तो आर बी सी रेड कलर का होता है वो किस वजह से होता है स्टूडेंट्स हेमोग्लोबिन के वजह से होता है किस वजह से होता है हेमोग्लोबिन आपको मैंने पहली बोलता था हेमोग्लोबिन में चार एफ ई टू प्लस के आय आयरन होता है स्टूडेंट्स आयरन है तो मतलब वो रेड कलर होगा ही स्टूडेंट्स तो हेमोग्लोबिन के वजह से वो रेड कलर होता है उसका साइटोप्लाज्म जो भी रहता है और मेल्स में फाइव पॉइंट वन से लेके फाइव पॉइंट एट मिलियन पर एम एम क्यूब ये सेल्स रह सकते हैं अगर हम एक एक एम एम क्यूब का ब्लड निकालते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें 5.1 से 5.8 मिलियन वो सेल्स होंगे स्टूडेंट्स और फीमेल्स में 4.3 से लेके 5.2 मिलियन पर एम एम क्यूब अगर एक एम एम क्यूब का हम फिर से ब्लड निकालते हैं तो फीमेल का तो उसमें कितने रहेंगे 4.3 से 5.2 मिलियन वो सेल्स रहेंगे दिस इज कॉल्ड टोटल आर काउंट द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आर इज वन डेज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर और कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस सो ये था जो हमने देखा वो आर का काउंट था मतलब इस तरह से हम आर के आर को मेजर करते हैं तो जो आर का सेल वो कितने दिन तक रह सकता है 120 डेज तक रह सकता है उसके बाद उसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्टूडेंट्स और आर के बनने के प्रोसेस को हमारे बॉडी में आर का सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस बोलते हैं क्या बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस एरिथ्रोपोसिस प्रोसेस आप मेडिकल में आप डीप में पढ़ेंगे जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे जो भी तो आपको बस इतना याद रखना है आर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमारे बॉडी में जो आर फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं तो शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने के लिए रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कि रेड ब्लड सेल्स पे शॉर्ट नोट लिखो तो आगे देखते हैं आर बी सी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेमे हेमोसिस्टोब्लास्ट और रेक्टिक्यूलोसाइट द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन ऑफ प्यूटस इज द लीवर एंड स्प्लिन एंड इन अडल्ट इट इज मेनली द रेड बोन मैरो तो आर बी सी किधर बनते हैं स्टूडेंट्स बनना कहाँ से स्टार्ट होते हैं हेमे हेमोसिस्टोब्लास्ट ये क्या होता है uh, हमारे अंदर पहले से ही वो कुछ स्टेम सेल्स के स्टेम सेल्स से कुछ पार्ट बन जाते हैं स्टूडेंट्स एम्ब्रॉइनिक टाइम से ही कुछ हमारे अंदर पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट जिसे हम हेमोसिस्टोब्लास्ट बोलते हैं तो वहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं और फ्यूटस में मतलब जब हम बर्थ के पहले जब हम पेट में होते हैं तब वो रेड ब्लड सेल्स कहाँ से बनते हैं वो लीवर में बनते हैं और स्प्लीन में बनते हैं स्प्लीन मैंने आपको पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था स्प्लीन कहाँ होता है और अडल्ट में वो कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते वो भी मैंने आपको बताया बोन मैरो किधर होता है स्टूडेंट्स बोन मैरो कैसा होता है वो भी मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बताया है विटामिन बी ट्वेल्व फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर बी सी तो आर बी सी को बनने के लिए क्या क्या लगता है स्टूडेंट्स विटामिन बी ट्वेल्व फॉलिक एसिड और हीम प्रोटीन लगता है तो ये तीनों चीजों से मिलकर वो एक सेल बनता है आरबीसी का स्टूडेंट्स द ओल्ड एंड वॉन आउट आर बी सी आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर एंड स्प्लीन ग्रेवियार्ट ऑफ आर बी सी तो जो आर बी सी का काम ख़त्म हो गया है जो आर बी सी के एज हो चुका है लाइफ स्पेन उसका ख़त्म हो गया है तो वो कहाँ पे जा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लीवर और स्प्लीन में जा वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आर बी सी ग्रेव यार्ड मतलब जहाँ पे हम किसी डेड बॉडी को गाड़ते हैं तो ये यहाँ पे जो लीवर और स्प्लीन है वो एक टाइप से आर बी सी के लिए ग्रेव यार्ड है जहाँ पे वो जाके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जहाँ पे वो जाके क्या हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं आर बी सी स्टूडेंट्स सो वो लीवर और स्प्लीन है वो क्या है ग्रेवयार्ड ऑफ आर है स्टूडेंट्स तो so, याद रखना है विटामिन बी ट्वेल्व फॉलिक एसिड और हीन प्रोटीन होने ही वाला है आर में क्योंकि आरबीसी उससे मिलके बना हुआ है कंडीशन विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आर बी सी इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया तो जब आर बी का काउंट नॉर्मल काउंट से बढ़ जाता है तो उस उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे पॉलिसिथेमिया और जब घट जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपेनिया द हॉर्मोन एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी सेल स्टिमुलेट द बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ आर तो यहां पे किडनी का एक बड़ा रोल आ रहा है स्टूडेंट्स किडनी क्या करेगा एरिथ्रोपोइटिन एक आ, क्या होगा स्टूडेंट्स हॉमोन होगा स्टूडेंट्स क्या होगा वो क्या करेगा वो बोन मैरो को जाके मैसेज देगा बोन मैरो को एक टाइप से वो स्टिम्यूलेट करेगा कि आरबीसीस को बनाओ आर को प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे किडनी का एक बड़ा रोल आ रहा है स्टूडेंट्स कि वो एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसे रिलीज करता है और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा हमारे बोन मैरो को स्टिम्युलेट करेगा हमारे बोन मैरो को मैसेज देगा कि आर का प्रोडक्शन करना है अभी तो याद रखना है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी होगा तो पॉलिसाइथमिया बोलेंगे उसे डिक्रीज होगा तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलेंगे मैच्योर एरिथ्रोसाइट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिन इन साइटोप्लाज्म इट इज इज रिच इन हेमोग्लोबिन एंड ओ टू कैरिंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट एट गिव्स रेड कलर टू आर बी सी एंड ब्लड इट ऑल्सो कंटेन एन एनजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो एक मैच्योर रेड ब्लड सेल में एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं रहेगा स्टूडेंट्स माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा स्टूडेंट्स और दूसरे भी कुछ सेल ऑर्गेनिल्स नहीं रहने वाले हैं स्टूडेंट्स उसके में सिर्फ क्या रहेगा हीमोग्लोबिन रहेगा स्टूडेंट्स क्या रहेगा हीमोग्लोबिन रहेगा और कुछ दूसरे प्रोटीन भी रहेंगे जो क्या करेंगे गैशियस को कैरी करेंगे ओ और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे कैरी करेंगे, क्या करेंगे? और वो हेमोग्लोबिन के वजह से वो क्या होगा रेड कलर आएगा उस आर सेल्स में क्या आएगा और रेड कलर आएगा और एक एंजाइम रहेगा हमारे रेड ब्लड सेल्स में कार्बोनिक एनाइड्रेस जो हमने उसका फंक्शन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है स्टूडेंट्स वो था एक टाइप का कैटलिस्ट था स्टूडेंट्स जो कार्बोनिक एसिड बनाने में हेल्प करता था सी तो याद रखना है मैच्योर एरिथ्रोसाइट सेल में न्यूक्लियस भी नहीं रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहने वाला है और दूसरे कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं रहने वाले तो यहाँ पे आपको ब्लड का मीनिंग पूरा अच्छे से समझना है ब्लड का सिर्फ एक ही काम है कि वो न्यूट्रिय और गैसेस को सर्कुलेट करे स्टूडेंट्स क्या करे सर्कुलेट करे हमारे बॉडी में इसलिए इसमें और कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है स्टूडेंट्स एरिथ्रोसाइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ओ टू एंड सी ओ टू मेंटेनिंग पी एच एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग दम हेमेटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आर बी सी टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड इट इज डिफरेंट फॉर द मैन एंड द वुमेन सो एरिथ्रो मैंने आपको पहले बोला एरिथ्रोसाइड से जो आर बी सी सेल्स है वो क्या करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को सर्कुलेट करते हैं स्टूडेंट्स पीएच मेंटेन करके रखते हैं पीएच किस तरह से मेंटेन होता है मे हाँ जो हमने इसके पहले प्रोसेस पढ़ा था स्टूडेंट्स जहाँ पे कार्बोनिक एसिड्स बन रहा था जिसके वजह से पी एच पी एच लेस और हाई हो रहा था तो इसके वजह से ही हो रहा था ना स्टूडेंट्स क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जल्दी रिएक्शन करवा था करवा रहा था ना कार्बोनिक एसिड बने तो इसके पीछे भी मेन रीज़न कहाँ क्या आता है आर आता है स्टूडेंट्स और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेंटेन करता है विस्कोसिटी लाता है हमारे ब्लड में और क्या करता है स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग में भी तो हमारे ब्लड सेल्स के पास कुछ इंजाइम्स uh, होते हैं जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी होता है स्टूडेंट्स और यहाँ पे एक चीज दिया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आर मतलब ए वॉल्यूम ऑफ आर बी सी टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी का टोटल ब्लड वॉल्यूम तो वो उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे हेमेटोक्रीड बोलेंगे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हेमेटोक्रीड बोलेंगे अगर हम कोई भी एरिया का ब्लड का वॉल्यूम देखते हैं उसके पूरे उस ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी के ब्लड के वॉल्यूम के हिसाब से तो उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे हेमेटोक्रीट बोलेंगे तो ये डिफरेंट होने वाला है ऑब्वियस ब्लड वॉल्यूम डिफरेंट है मैन एंड वुमेन का तो ऑबियसली हेमेटोक्रीट का जो नंबर आएगा वो भी डिफरेंट ही आने वाला है स्टूडेंट्स तो याद रखना है ये हेमेटोक्रीट क्या होता है अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक एरिया लेते हैं वहाँ का ब्लड वॉल्यूम टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम उसके बॉडी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे हेमेटोक्रीड बोलेंगे स्टूडेंट्स और ये मैन और वुमेन में अलग ही ऑब्वियसली नंबर अलग ही होने वाला है क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम भी अलग ही होता है दोनों में मैन और वुमेन में भी सो so, ये फंक्शन था ब्लड का सो so, यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं ऐसे दिखते हैं रेड ब्लड सेल्स बायकॉनके दिख रहा है आपको वो पॉपिंस के चॉकलेट टाइप दिख रहे हैं ना और ये किससे बने स्टूडेंट्स इधर हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन के बीच बीच में हीम प्रोटीन भी है देखो स्टूडेंट्स वो हीम प्रोटीन हीम लिखा है ना हीम प्रोटीन तो ये है रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं बायकॉन के होते हैं न्यूक्लियस नहीं रहता है स्टूडेंट्स इनमें और ये रेड कलर के होते हैं स्टूडेंट्स रेड कलर के क्यों क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रोटीन हो, होता है स्टूडेंट्स हेमोग्लोबिन में फेरस होता है आयरन होता है जिसके वजह से वो रेड कलर का शो होता है हमें तो ये था आपका रेड ब्लड सेल्स जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोल रहे थे अब हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स देखते हैं क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स क्या होता है ल्यूकोसाइड्स आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड एंड अमीबॉइड सेल लार्जर देन आरबीसी तो ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं तो ये क्या होते हैं कलरलेस होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट्स कोई कलर नहीं होता इसमें कलरलेस होते हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये अमीबॉइड सेल होते हैं मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है इन सेल्स का और ये आर से लार्ज होते हैं आर से बड़े होते हैं ड्यू टू देयर अमीबॉयड मूवमेंट दे कैन मूव आउट ऑफ कैपुलरी वॉल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइपेडिस तो अब ये अमीबा जैसे मूवमेंट करते हैं यह सेल क्या करते हैं अमीबा टाइप मूवमेंट करते हैं मतलब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स और इस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करके क्या करते हैं कैपिलरी वॉल से बाहर भी निकल सकते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डायपेडिस बोलते हैं क्या बोलते हैं डायपेडिस बोलते हैं अ नॉर्मल अडल्ट हैज ऑन एन एवरेज फाइव थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड डब्ल्यू बी सी पर एम एम ऑफ ब्लड तो हम अगर एक एम का ब्लड निकालते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा फाइव थाउजेंड से 11000 थाउजेंड डब्लू बी सी सेल्स मिलेंगे क्या मिलेगा फाइव थाउजेंड से इलेवन थाउजेंड डब्लू बी सी सेल मिलेगा डिक्रीज इन डब्ल्यू बी सी डेट इज लेस देन फोर थाउजेंड इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया तो अगर डब्ल्यू बी सी का काउंट गिरता है फोर थाउजेंड लेस देन फोर थाउजेंड पर एम एम होता है तो क्या उस उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे ल्यूकोपेनिया बोलेंगे क्या बोलेंगे ल्यूकोपेनिया तो ये ज़्यादातर की कब होता है जब कोई भी एच आई वी पेशेंट होता है एड्स पेशेंट होता है टी वी पेशेंट होता है तो ये उन्हें होता है स्टूडेंट्स तो इनमें डिक्रीज ऑफ डब्ल्यू बी सी हो जाता है टेम्प्ररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यू बी सी इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस तो टेम्प्ररी मतलब uh, जब हमारा ल्यूकोसाइट बढ़ जाता है टेम्प्ररी मतलब परमानेंट नहीं बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइटो इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन ये कब होने वाला है हमारे डब्ल्यू कब बढ़ेंगे जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए जब हम बीमार हो जाएँ तब ये ल्यूकोसाइट्स बढ़ते हैं क्योंकि ये ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते है जो डब्ल्यू होता है स्टूडेंट्स वो प्रोटेक्टिव होता है हमारे बॉडी के लिए क्या होता है प्रोटेक्टिव रहता है तो ऑब्वियस जब हमें कोई इन्फेक्शन होगा कुछ होगा हमें तो ये बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये टेम्प्ररी इंक्रीज है जिसे हम क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं मतलब ये परमानेंट नहीं होने वाला है बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा जब ये इन्फेक्शन हमें हट जाएंगे तो याद रखना है लेस देन फोर थाउजेंड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे और इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे इट ऑल्सो ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन न्यू बॉर्न बेबी अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्लू बी सी इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर कॉल्ड लूकेमी डब्ल्यू बी सी आर मेनली कंसर्न विद डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्शन तो ये इंक्रीज हो सकता है किसमें प्रेग्नेंसी के टाइम और न्यूबॉर्न बेबीज क्योंकि ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है तो प्रेगनेंसी के टाइम भी वुमेंस को ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए रहता है इन्फेक्शन से तो डब्ल्यू बी सी का अकाउंट बढ़ जाता है और न्यूबॉर्न बेबीज को भी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए इन्फेक्शन से तो इनमें भी अकाउंट बढ़ जाता है students. और अगर अनकंट्रोल इंक्रीज़ मतलब अनकंट्रोलेबल नॉर्मल नहीं हो रहा है इंक्रीज होते ही जा रहा है डब्ल्यू तो वो क्या होता है एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स ल्यूकेमिया बोलते हैं तो डब्ल्यू क्या है एक डब्ल्यू डिफेंस मैकेनिज्म कैरी आउट करता है मतलब इसके वजह से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं दैट इज़ प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है डब्ल्यू क्या होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है हमें uh, एंटीजन से बचाएगा बाहर के फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाने वाला है स्टूडेंट्स ये प्रोटेक्टिव होने वाला है नेचर में तो ये था डब्ल्यू बी सी स्टूडेंट्स दिस आर कलरलेस इेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल एंड शो पॉलीमोरफिज्म तो ये सेल्स कलरलेस होने वाले हैं इनका इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स होने वाले मतलब न्यूक्लियस का इनमें कोई फिक्स शेप नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स इन सेल में क्या होने वाला कोई फिक्स शेप नहीं होना पॉलीमॉर्फिज्म दिखाने वाला है इनका न्यूक्लियस कैसा पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट्स सो यहाँ पे हमने डब्ल्यू को दो टाइप में डिवाइड किया है ग्रैन्युलोसाइड्स एंड अग्रैन्युलोसाइड्स क्या है ग्रैन्युलोसाइडस एंड सो ग्रैन्युलोसाइड्स क्या होता है उनमें वो ऐसे डब्ल्यू बी सी होंगे जिस जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो ग्रैन्यूल्स एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है स्टूडेंट्स ग्रेन टाइप सेल ऑर्गेनल होता है छोटा सा तो याद रखना है स्टूडेंट्स ये चीज़ कि ग्रैनुलोसाइड्स में न्यूट्रोफिल बेसोफिल और ईसोनोफिल टाइप के डब्ल्यू बी सीज आएंगे और अग्रैनुलोसाइड में लिम्फोसाइड्स और मोनोसाइड टाइप के डब्ल्यू बी सीज आएंगे तो डब्ल्यू बी सी वैसे तो पाँच टाइप के पाँच डब्ल्यू बी सी सेल्स होते हैं मतलब पांच टाइप के डब्लू बी सी सेल्स होते हैं जिसमें से जो ग्रेन जिसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते, होते हैं वो कौन से न्यूट्रोफिल बेसोफिल और यूसोनोफिल और जिसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते वो छोटे छोटे ग्रेन टाइप सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जिसमें वो होते हैं लिम्फोसाइड्स और मोनोसाइट्स स्टूडेंट्स सो एक एक करके हम दोनों देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स भी देखेंगे और अग्रैन तो मैंने आपको एक तरीका पहले भी बताया है इन पाँच सेल्स का नाम याद रखने के लिए नेवर लेट मंकी ईट बनाना मंकी को कभी बनाना नहीं खाने देना है तुम्हें तो नेवर लेट मंकी ईट बनाना नेवर एन न्यूट्रोफिल्स लेट एल लिफोसाइड्स मंकी एम मोनोसाइट्स ईट ई योनोफिल बी बनाना बेसोफिल्स सो इस तरह से आप याद कर सकते हैं अगर आपके पास कोई आपका खुद का तरीका है तो आप उससे याद करना है आपको सो so, इससे आप याद कर सकते हैं नेवर लेट मंकी ईड बनाना न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स योसोनोफिल और बेसोफिल ये आपको मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी आपको ये मैंने याद करने का तरीका बताया था सेम यही है स्टूडेंट्स न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइट एसोनोफिल और बेसोफिल और याद रखना है इनमें से तीन ग्रैनुलोसाइट्स है और दो और ग्रैनुल तो देख लेते ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है स्टूडेंट्स दिस आर डब्ल्यू बी सी विथ ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड सेल तो ये ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जिन जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स होंगे ग्रैनुल्स एक ग्रेन टाइप सेल ऑर्गेनिल होता है स्टूडेंट जिसमें से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं तो ये इनमें प्रेजेंट होता है इस टाइप के सेल और पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड मतलब बहुत सारे टाइप के बहुत सारे टाइप के शेप्स के इसमें न्यूक्लियस होने वाले हैं इन ग्रैनुलर्स ग्रैनुलर जो टाइप है डब्ल्यू का दे हैव लॉब्यूलेटेड न्यूक्लिया इन डिफरेंट शेप लॉब्यूलेटेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स अलग अलग लोब्स होंगे डिफरेंट डिविजन्स होगा उन सेल्स का अंदर ही वो जुड़े तो रहेंगे पर डिवाइडेड रहेंगे लोब्स बना के वो डिवाइडेड रहेंगे और अलग अलग शेप के होने वाले ग्रेनुलोसाइड्स आर फॉर्म्ड बाय माइलॉयड स्टेम सेल्स एंड वंस फॉर्मड डू नॉट डिवाइड तो ये सेल्स डिवाइड नहीं होने वाले हैं ये डायरेक्ट फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स कहाँ से फॉर्म होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स से फॉर्म होते हैं यहाँ ये स्टेम सेल होता है मतलब इम्ब्रॉनिक सेल्स uh, होते हैं स्टूडेंट्स या है, कुछ एम्ब्रॉइनिंग सेल्स होते हैं जो हमारे बर्थ के टाइम से हमारे अंदर रहते हैं जिसे हमको क्या बोलते हैं माइलॉयड स्टेम सेल्स नाम दिया गया है तो ये एक बार फॉर्म होते हो जाते हैं तो ये खुद में डिविजन नहीं करते स्टूडेंट्स तो ये डायरेक्ट फॉर्म होते हैं कहीं ना कहीं से ग्रेनिलोसाइड कंस्टिट्यूट अबाउट सेवेंटी टू परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी तो जितना भी डब्ल्यू हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगा उनमें से 72 परसेंट ऑफ डब्लू बी सी होते हैं जिन इन सेल्स में ग्रेन्युल्स होने वाले हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल वेसोफिल और ईसोनोफिल होने वाले हैं सेवेंटी टू परसेंट ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली सिक्रेटरी वेसिकल्स विच कंटेन वेरियस सिक्रेशन इन्जाइम एक्ट तो ग्रैन्यूल्स का काम क्या होता है वो कुछ तो सीक्रेट करते हैं जैसे कि इन्जाइम्स हो गए और अलग अलग सिक्रेशन्स भी वो सीक्रेट करते हैं जो यूजफुल होने वाला है उन सेल्स के लिए या प्रोटेक्टिव नेचर के लिए वो यूजफुल होने, होने वाला है ग्रेन्युल्स वो सिक्रेशन ग्रैन्यूल्स का वो सिक्रेशन यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स सो so, ये सब था ग्रैन्युलोसाइड्स के बारे में स्टूडेंट्स सो so, आपको याद रखना ग्रैनुलोसाइट्स में तीन सेल्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स दिस ग्रैनुलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स एज न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे बात को समझना पहले तो आपको समझना है जो डब्ल्यू बी सी होते हैं वो कलरलेस होते हैं मतलब ये कलरलेस होने वाला है तो हमें इन्हें देखने के लिए क्या करने के लिए हमें इन्हें देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है उसके ऊपर कलर डालना पड़ता है स्टेन डालना पड़ता है तो वो स्टेन आपको अलग अलग स्टेनिंग दिखाएगा अलग अलग शेप्स दिखाएगा स्टूडेंट्स स्टेनस uh, के हिसाब से तो जहाँ पे उनका न्यूक्लियस होगा वहां पे अलग स्टेन्स दिखाने लगेगा वो तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन टाइप में डिवाइडेड है न्यूट्रोफिल बेसोफिल एंड एसिडोफिल ईसोनोफिल को हम एसिडोफिल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स तो पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल क्या होता है ग्रैन्यूल्स आर वेरी फाइन लार्ज इन नंबर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टेन विथ न्यूट्र न्यूट्रल स्टेन्स न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो सेवेंटी अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी दिस सेल्स आर स्पेरिकल एंड न्यूक्लियस इज सेवरल लोब्ड तो इनमें ग्रेन्यूल्स क्या होने वाले काफ़ी छोटे होने वाले हैं जो ग्रेन टाइप सेल ऑर्गेनल इनमें होने वाला है वो काफ़ी छोटे होने वाले हैं पर बहुत सारे होने वाले हैं स्टेंट्स और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे दूर दूर होने वाले हैं और जो ये स्टेन ये जो न्यूट्रोफील का जो स्टेनिंग है वो किसी भी न्यूट्रल स्टेन से हो सकता है मतलब किसी भी डाई से हम इसे स्टेन कर सकते हैं हम इन्हें स्टेन करके देख सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप में तो न्यूट्रल स्टेन यूज हो रहा है ना स्टूडेंट इसके लिए इसका नाम क्या दिया न्यूट्रोफिल नाम दिया गया क्या नाम दिया न्यूट्रोफिल तो न्यूट्रोफिल कितना होता है हमारे डब्ल्यू में सेवेंटी होता है पहले तो ग्रैनुलोसाइट सेवेंटी होता है उसमें से न्यूट्रोफिल कितना होता है सेवेंटी होता है मतलब टू क्या होगा बेसोफिल और एसिडोफिल मिला के होने वाला है स्टूडेंट्स डब्ल्यू में न्यूट्रोफिल क्या होने वाला है शेप में होने वाले स्टूडेंट्स और इनका न्यूक्लियस किस में सेवरल लोब्ड मतलब दो से सात डिविजन में होने वाला है इनका न्यूक्लियस इनका क्या होने वाला है दो से सात में वो दो से सात लोब्स का होगा वो दिस आर एबल टू परफॉर्म एमिबॉइड मूवमेंट एंड फेगोसाइटोसिस सो अभी ये ये सेल्स क्या कर सकते हैं अमीबॉइड मूवमेंट कर सकते हैं इनके इनसे ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कर सकते हैं और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर सकते हैं फैगोसाइटोसिस हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में पढ़ा है स्टूडेंट्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंगस बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस तो ये फैगोसाइटोसिस से प्रोसेस करके एंटीजन और पैथोजेंस को मार सकते हैं पर्स इज अ मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफिल डैमेज टिश्यू एंड डेड माइक्रोब्स सो आपको देखो स्वेलिंग uh, हो जाती है स्टूडेंट्स तो वहाँ पे पस जमा हो जाता है वाइट कलर का पस जमा हो जाता है पिंपल्स uh, में देखा होगा स्टूडेंट्स वो वहाँ पर भी पस जमा हो जाता है स्टूडेंट्स तो वो क्या होता है उनमें डेड न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं डैमेज टिश्यूज़ होते हैं और कुछ डेड माइक्रोब्स होते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जाते हैं वहाँ पे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं और वो वहाँ पे वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वहाँ पे पस क्रिएट हो जाता है वाइट कलर का वहाँ पे पस uh, क्रिएट हो जाता है अपने पिंपल्स में ही देख देखा होगा तो वहाँ पे पस क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स और वो पस क्रिएट किया जाता है न्यूट्रोफिल्स के द्वारा ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए जो भी माइक्रोब्स है वो उनकी डेथ बॉडी बाहर निकल जाए स्टूडेंट्स सो ये था न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन और न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स सो आगे हम देखते हैं बेसोफिल्स क्या होता है देखेंगे बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है सो शॉर्ट नोट्स आ सकता है न्यूट्रोफिल्स पे लिखने के लिए और ग्रैन ग्रैनुलोसाइड्स uh, पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं सो so, ये सब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स और अपने नोट्स लिखते जाने हैं तो बेसोफिल देखते हैं बेसोफिल को हम क्या बोलते हैं साइनोफिल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं साइनोफिल दिस सेल्स हैव वेरी फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ लार्ज साइज एंड स्ट्रेन विथ बेसिक स्ट्रेन लाइक मिथिलिन ब्लू बेसोफिल्स आर नॉन फेगोसाइटिक स्मॉल स्पेरिकल सेल एंड आर अबाउट जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी तो इनमें काफ़ी फ्यू ग्रेन्युल्स होने वाले काफ़ी कम ग्रेन्यूल्स होने वाले हैं इनमें पर ज़्यादा बड़े साइज के ग्रेन्यूल होने वाले हैं और इन्हें हम बेसिक स्ट्रेन से स्टेनिंग करते हैं इनका स्टेन कैसे करते हैं बेसिक स्टेन मतलब जो बेसिक इन नेचर हो जैसे कि मिथेलिन ब्लू तो इसके लिए इसका नाम क्या दिया बेसोफिल बेसिक स्टेन से स्टेन करते हैं तो इसके लिए बेसिक फिल न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रल स्टेन से कर रहे थे तो न्यूट्रोफिल्स तो ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं इनमें फेगोसाइटिस प्रोसेस नहीं करते हैं बेसोफिल्स ये छोटे होते हैं स्पेरिकल सेल इनका भी होने वाला है और ये 0.5 टू 1 परसेंट हमारे टोटल डब्ल्यू में होने वाले हैं ऑब्वियसली स्टूडेंट सेवेंटी परसेंट है मतलब बचे हुए दो परसेंट में एसिडोफिल और बेसोफिल रहने वाले हैं तो 0.5 पॉइंट फाइव परसेंट टू वन परसेंट बेसोफिल होने वाले हैं हमारे टोटल डब्ल्यू में स्टूडेंट्स सो so, ये चीजें आपको बेसोफिल्स के बारे में याद रखनी है स्टूडेंट्स आगे हम और देखते हैं बेसोफिल्स में और क्या क्या है तो इसे बेसिक स्टेन से स्टेन किया जाता है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इसलिए इसका नाम क्या रख दिया स्टूडेंट्स बेसोफिल रख दिया है क्या रखा है बेसोफिल याद रखना है डब्लू बीसी का टाइप एलर्जिक कंडीशन ओनली बेसोफिल सीक्रेट हेपेरिनटामाइन एंड सेरोटोनिन तो इनका न्यूक्लियस किस तरह का ट्विस्टेड रहेगा स्टूडेंट्स कैसा रहेगा ट्विस्टेड रहेगा स्टूडेंट्स और ये कब Uh, मतलब ये कब फॉर्म होते हैं जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या हम किसी एलर्जिक कंडीशन में हो तब ये फॉर्म होते हैं तो ये हैपेरिन सिक्रेट करते हैं क्या सीक्रेट करते हैं हेपरिन सिक्रेट करते हैं है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हिस्टेमाइन सिक्रेट करते हैं क्या करते हैं हिस्टेमाइन जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है वहाँ की स्किन को स्मूथ करने के लिए ये हिस्टेमाइन सीक्रेट करेगा और सेरोटोनिन सीक्रेट करता है सेरोटोनिन क्या है एक न्यूरो है जिस न्यूरो हमने पिछले वीडियो पिछले प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियो में देखा था कि न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कर रहा था स्टूडेंट्स हमें हैप्पीनेस का फीलिंग ला रहा था हमें इमोशंस का फीलिंग ला रहा था स्टूडेंट्स तो so, ये सेरोटोनिन भी सिक्रीट करता है स्टूडेंट्स जो कि हमारा बेसोफील है स्टूडेंट्स तो ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस तो नहीं करने वाला है पर ये हैपेरिन हिस्टामाइन और सेरोटोनिन सिक्रीट करके प्रोटेक्शन uh, का काम कर सकता है स्टूडेंट्स तो हैपेर क्या करेगा स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग करेगा जिसकी वजह से ब्लड वेस्ट हमारे बॉडी से बचेगा हिस्टामाइन वहाँ जहाँ हमें चोट लगी होगी वहाँ का स्किन स्मूथ करता है वहाँ पे इंफ्लामेशन का प्रोसेस करेगा स्टूडेंट्स तो ये सब हिस्टामाइन का, का काम है और सेरोटोनिन क्या करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर एक टाइप का न्यूरो है जिसके वजह से हमें हैप्पीनेस का इमोशंस का कुछ

एसिडोफिल्स कंटेन लाइजोसोमल ग्रैन्यूल्स दैट आर स्टेन टू रेड कलर विथ एसिडिक स्टेंस तो एसिडोफिल्स नाम क्यों दिया है क्योंकि इसे हम एसिडिक स्टेंस मतलब जो ऐसे कलर से इसे हम अ, कलर करेंगे जो कि एसिडिक हो तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं एसिडोफिल तो ईओसिन एक टाइप का स्टेन है स्टूडेंट्स जो कि एसिडिक होता है इसीलिए उसका नाम ईसोनोफिल भी रखा गया है स्टूडेंट्स सो so, इनमें क्या होने वाला है लाइजोजोमल ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होने वाले हैं एक ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होने वाले हैं जो कि लाइजोजोमिक एक्टिविटी कर सकते हैं मतलब लाइजोजोम क्या होता है जहां पे वेस्ट मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है स्टूडेंट्स सेल्स में ऐसी जगह रहती है जिसे हम लाइजोजोम बोलते हैं स्टूडेंट्स सो यूसोनोफिल आर अबाउट वन टू थ्री परसेंट ऑफ द टोटल डब्ल्यू बी सी न्यूक्स बायोग तो वन टू थ्री परसेंट प्रेजेंट होने वाले हैं टोटल डब्ल्यू बी सी में युसोनोफिल और इनका न्यूक्लियस कैसे होने वाला है बाय लोब्ड होने वाला है दो लोब्स प्रेजेंट होंगे इनके न्यूक्लियस में कैसे हो दो में होंगे दो डिविजन्स में डिवाइडेड होंगे स्टूडेंट्स दो पार्ट में इनके न्यूक्लियस डिवाइडेड होंगे स्टूडेंट्स दो लोब्स में डिवाइडेड होने वाले हैं इनके न्यूक्लियस तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस स्टूडेंट्स इसे एसिडोफिल क्यों बोला गया क्योंकि ये ईओसिन जो एसिडिक स्टेन है उसके वजह से स्टेनिंग होती है इसकी दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय फाइगोसाइटोसिस देअर नंबर इंक्रीजेस इन एलर्जी कंडीशन एंड दे शो एंटी हिस्टा मिनिक प्रॉपर्टी दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सीफिकेशन एज दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन तो ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करने वाले फैगोसाइटिस प्रोसेस मैंने पिछले प्रीवियस चैप्टर में बताया है तो फैगोसाइटिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स जब एंटीबॉडी एंटीजन्स को ग्रैप कर लेता है जब अटैच कर लेता है तो वो सेल्स के पास लेके जाता है तो इन सेल्स के पास ये लेके जाता है जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब इन और इनका नंबर कब बढ़ता है जब हम किसी एलर्जिक कंडीशन में होंगे और ये एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टी भी शो करता है स्टूडेंट्स एंटी हिस्टामैनिक प्रॉपर्टी मतलब ये जहाँ भी हिस्टामाइन होगा वहाँ पे वो उस हिस्टामाइन को हटा सकता है स्टूडेंट्स ये सेल क्या कर सकता है उस हिस्टामाइन को हटा सकता है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सीफिकेशन एंटीटॉक्सिन डिटॉक्सीफिकेशन मतलब हमारे बॉडी से ये टॉक्सिन को भी हटा सकता है टॉक्सिन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन मतलब ये एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा किसी टॉक्सिन के खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगा उसका अपोजिट प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स जिसे हम क्या बोलेंगे एंटीटॉक्सिन बोलेंगे तो ये एंटीटॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकता है जो एसिडोफील्स है जो येसोनोफील्स है स्टूडेंट्स तो ये सब चीज़ें जो कुछ इंफॉर्मेटिव इन, चीज़ें हैं ये सब आपको याद रखना है ये हमारे बॉडीज में हो रही है स्टूडेंट्स ये सब हमारे बॉडी में होता है स्टूडेंट्स तो याद रखना है ये सब हमारे आ, ब्लड के ही टाइप है स्टूडेंट्स डब्ल्यू बी सी के टाइप है डब्लू बी सी में ग्रैनुलोसाइड्स है उसके ये टाइप है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए जो उसका न्यूक्लियस है वो टू टू सेवन लोब्स में भी डिवाइड है तो यहाँ पे फोर लोब्स है उस न्यूक्लियस के देखो एक तीन बड़े हैं एक छोटा है तो फोर लोब्स है वहाँ पे और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जो काफ़ी छोटे छोटे हैं स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वहाँ पे और भी ये बेसोफिल्स है स्टूडेंट्स बेसोफिल्स में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे लोब्स में हैं वहाँ पे तो न्यूक्लियस है उसका और इसमें जो ग्रैन्यूल्स है देखो बड़े बड़े हैं स्टूडेंट्स और स्पेरिकल शेप में हैं और ये हिस्टामाइन उधर पर रिलीज कर सकता है वहाँ से देखो ग्रैन्यूल्स हिस्टामाइन भी निकल सकता है अब देखते हैं एसिडोफील्स तो ये यूसोनोफील्स स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो न्यूक्लियस क्या है बायलोब दो ही लोब्स के न्यूक्लियस स्टूडेंट्स माइटोग्रिया भी उनमें प्रेजेंट है और ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है स्टूडेंट्स तो ये यूसोनोफिल का स्ट्रक्चर है लोब्ड है तो आई होप आप आपको ये समझ गया होगा तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम अग्रैन्युलोसाइड पढ़ेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में